Welcome to Monk and Parmanu, and today we have a special topic, can incold prelog RS naming of organic chemistry. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि can incold prelog जो कन्वेंशन है वो है क्या. CIP कन्वेंशन इज द बेसिकली ए प्रायोरिटी सिस्टम असाइनिंग टू एटम्स डायरेक्टली अटैच टू द कायरल कार्बन. जो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन के चारों तरफ एक डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होता है, यानी कि कुछ अलग होना चाहिए कार्बन से. जैसे CH3 हो गया, O हो गया, इस टाइप के कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलते हैं. तो कायरल कार्बन के चारों तरफ जो एटम्स जुड़े होते हैं उनकी प्रायोरिटी सिस्टम CIP रूल से पता लगती है. द प्रायोरिटी इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एटम अटैच्ड. और जो एटम उसके चारों तरफ अटैच हैं वो एटॉमिक मास के बेसिस पर प्रायोरिटी में सेट किए जाते हैं. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी होगी जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास होगा. थर्ड जो रूल है इसका वो है CIP रूल इज़ यूज टू डिफाइन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल हैविंग 3D अरेंजमेंट. तो इसका यूज़ है वो है RS नोमेनक्लेचर या फिर प्रायोरिटी सिस्टम के लिए. तो इसके रूल्स को फाइंड आउट करने के लिए तीन चार मेथड होते हैं. चलिए पहले मेथड की तरफ बढ़ते हैं. सबसे पहले रूल को अप्लाई कैसे करते हैं. सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कायरल कार्बन. अब कायरल कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन होता है. टेट्राहेड्रल कार्बन का ये हमारा वेज एंड डैश स्ट्रक्चर है. ये वेज है और ये डैश है. वेज हमेशा प्लेन में होता है और डैश वाली स्ट्रक्चर आउट ऑफ द प्लेन होती है, या फिर हमारी तरफ या फिर अंदर की तरफ. तो ये जो H है वो डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ होगा या पीछे की तरफ होगा या आगे की तरफ होगा. Cl, NH2 एंड CH3 ये तीनों प्लेन में होंगे. सिमिलरली इधर ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये भी या तो प्लेन के अंदर होगा या प्लेन के बाहर होगा. बाकी के D, C एंड OH ये सभी प्लेन के ऊपर या प्लेन में ही होंगे. तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो देनी होती है जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है या फिर एटॉमिक मास होता है. नॉट नंबर, एटॉमिक मास. तो हमारे पास सबसे पहले है क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन. एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा, जो कार्बन सबसे पहले अटैच है उसी को देखना होगा. जो भी एटम सबसे पहले अटैच है उसी को देखना होगा. यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है. तो सबसे पहले जो जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास है वो है क्लोरीन. तो क्लोरीन को हम फर्स्ट नंबर दे देंगे. उसके बाद है नंबर 2, नंबर 2 नाइट्रोजन को देंगे. अब नाइट्रोजन के बाद जो नाइट्रोजन ज़्यादा भारी है या फिर कार्बन. नाइट्रोजन 14 होता है तो 13, 12, तो 2 इसको और 3 इसको और 4 इसको. तो ये हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी CIP रूल के अकॉर्डिंग. तो CIP रूल कुछ ऐसे ही यूज़ करना होता है, एक बार में सिर्फ एक टाइप के एटम. अब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बन, और कार्बन से डायरेक्टली इधर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है D, वो जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन है. तो अब प्रायोरिटी में इन दोनों की बात करें तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इससे. इधर कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4. तो इस तरह हम आइसोटोप्स के लिए भी असाइन कर सकते हैं. सेकंड जो टाइप होगा वो होगा जब जिस कंडीशन में टाई होता हो, यानी कि दो एक जैसे दो एलिमेंट दोनों कार्बन्स पे हों, उस कंडीशन में हम अगले वाले एटम्स को देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है. तो सबसे पहले नंबर 1 इसको दिया जाएगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इन दोनों कार्बन से ज़्यादा है, नंबर 1. अब 2 के लिए हमें इसके नेक्स्ट वाला एटम देखना पड़ेगा, सी. सी के नेक्स्ट वाला एटम है सी और इस तरफ है एच और एच और इधर है सी के साथ एच, एच एंड एच. ये एच कट गया, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया.
यहाँ पे सी बच गया, यहाँ पे एच बच गया, तो इस तरफ प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम इसको ज़्यादा देंगे, ये नंबर टू हो जाएगा। थ्री ये ऑटोमेटिकली होगा और फोर उधर है ही, तो इस तरह असाइन करेंगे। दोबारा से देख लो एक बार, जब यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, ऑक्सीजन का तो हो गया नंबर वन प्रायोरिटी। उस कार्बन के बाद इस कार्बन पर डायरेक्टली कौन कौन अटैच्ड है, एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन पर डायरेक्टली तीन हाइड्रोजन अटैच हैं, दो हाइड्रोजन्स कट गए, एक कार्बन इधर बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर बचा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन छोटा होगा इस कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी इससे हमेशा ज़्यादा होगी, तो टू इधर थ्री इधर। सिमिलरली हेयर अगर हम ऑक्सीजन को एक प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में होता है क्लैश। अब इस कार्बन के साथ डायरेक्टली तीन हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो सिमिलरली हम दो हाइड्रोजन काट सकते हैं इधर से और एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेगा, तो ये नंबर टू और ये नंबर थ्री। नेक्स्ट जो कंडीशन है, अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे हम सेट करेंगे या फिर प्रायोरिटी किस हिसाब से देंगे वो देखते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक एक कार्बन और लगा देंगे हम अलग से, ये वाला और ये वाला, कि इस कार्बन का डबल बॉन्ड हटाने के बाद एक एक कार्बन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखते हैं हम, कार्बन है वेज से CH3 जुड़ा है, डैश से H जुड़ा है, इधर ऊपर CH2 CH2 है, यानी कि CH CH2 है, नीचे CH2 CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड को हटाकर इसके ऊपर एक C, इसके ऊपर भी एक C, और हमेशा वैलेंसी पूरी रखनी पड़ेगी हमें इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी। तो यहाँ पे एक CH3 लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, डबल बॉन्ड हटा दो। अब क्या करना है, अब प्रायोरिटी असाइन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, तीनों में क्लैश है, तो उस क्लैश को रिजोल्व करने के लिए हमें इनके नेक्स्ट वाले एटम देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एच है, एच है, एच है, तीन बार एच है, यहाँ पर सी, दो एच, यहाँ सी, ये वाला सी और ये वाला एच। तो यहाँ पर सिंपली दिखाई दे रहा है एक तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, तो नंबर वन इसको, नंबर टू इसको, नंबर थ्री इसको और नंबर फोर इसको। तो ये हमारा प्रायोरिटी सिस्टम है, हमने पर एटम देखा है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, तो इस कार्बन से डायरेक्टली नेक्स्ट वाला एटम देखते हैं जो अटैच्ड है, वो तीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस कार्बन के साथ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अटैच हैं और इस कार्बन के साथ दो कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला एटम है वो हैवी है इससे और इससे, तो वन टू एंड थ्री फोर ये है ही। ट्रिपल बॉन्ड के कंडीशन में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में हम दो कार्बन इंक्रीज कराते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में हम चार कार्बन इंक्रीज कराते हैं टोटल, दो ऊपर दो नीचे। इन कंडीशन अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड न होकर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस ओ इधर भेज देंगे और सी इधर भेज देंगे, सी सी डबल बॉन्ड हट जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा, क्रॉस में कार्बन इधर जाएगा और ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। अगर नाइट्रोजन होता तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के केस में हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन है, यहाँ पे हम नाइट्रोजन भेज देंगे, इधर कार्बन भेज देंगे, यहाँ पे इस तरफ नाइट्रोजन और इस तरफ कार्बन। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन है, डैश स्ट्रक्चर से यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, वेज से CH2OH जुड़ा हुआ है, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर CH2CH2 है, तो इसको हम ओपन करने के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, अभी देखा था, दो कार्बन इंक्रीज करा देंगे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, CH3CH3 लिख देंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सेम ऐसे कर लेना, ऐसे बाहर की तरफ ही असाइन करते हैं इसको ऐसे, तो इस सी के इधर, सी इधर चला जाएगा, ओ इधर चला जाएगा,
तो इस सी के इधर सी, इस ओ के इधर ओ, और वैलेंसी हमेशा पूरी करनी होती है। तो सीआईपी रूलिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में सिर्फ इतना ही था। इसकी असाइनिंग आप खुद कर सकते हैं।